सिक्योरिटी ब्रीच का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं, वो प्रदर्शन बाहर होता संसद के। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा एंगल भी है, जिसको मुझे लगता है कि संवेदना की नजर से देखा जाना चाहिए। वो किस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया, आप देखिए उनकी तो जिंदगी खत्म हो गई। चाहे खट्टर साहब कल चुनाव करवा लें, चाहे करवा लें मार्च में, और चाहे करवाएं अक्टूबर के अंदर, खट्टर साहब की विदाई इस बार हरियाणा से तय है। हरियाणा के नौजवान खासतौर पर मैं कहूंगा इस सरकार से अक चुके हैं, थक चुके हैं, और इनकी बातें सुन सुन के पक चुके हैं। सरकार और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो चुनाव कब कराएं, लेकिन आज हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर रोजगार के ऊपर सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी कह रहे थे आप लोग जीतेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना के अंदर अगर आप वोट शेयर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसके अंदर बराबर स्टैंड करती है। चुनावों का काम है, कभी भी हार होती है, कभी जीत होती है, हमारे हौसले बुलंद है। कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर इन चुनावों के अंदर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर, पूरी मजबूती से और इस सरकार को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी प्रदर्शन को करने का लोकतांत्रिक देश में तरीका होता है। सिक्योरिटी ब्रीच का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। वो प्रदर्शन बाहर होता संसद के, वो ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा एंगल भी है, जिसको मुझे लगता है कि संवेदना की नजर से देखा जाना चाहिए। उन जो हमारी एक बहन नीलम जो हरियाणा से भी है, उसकी एक वीडियो आई जिसमें उसने कहा कि हम बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मंशा ये नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति को वहां नुकसान पहुंचाया जाए, किसी भी माननीय सांसद को नुकसान पहुंचाने की मंशा से वो लोग नहीं गए। तरीका सही, लेकिन तरीका गलत था, हमें बात करें, लेकिन वो किस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया, आप देखिए उनकी तो जिंदगी खत्म हो गई। उन पे ऐसे ऐसे केस ठोक दिए गए जो कानून के तहत ठोक दिए गए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उनका मुद्दा क्या था, उनके दिमाग में ऐसा क्या चीज थी कि जिसके वजह से इतना बड़ा स्टेप लिया, वो भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर वो संसद के अंदर घेराव के लिए।